स्टूडेंट्स कैसे हो सारे के सारे। सो आज के वीडियो में हम यहां शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 14। अब बाकी जितने चैप्टर हैं आपके सिलेबस में हर एक एक चैप्टर को डिटेल में कवर कराया जा चुका है और हर एक की प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पे। साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्कशन डाउट वगैरह कुछ आता है ना तो वहां 300 बच्चे ऑलरेडी हैं आपके ही जैसे, तो ज्वाइन कर लो फटाफट से और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। बिकॉज अभी तो मैंने आपको चैप्टर की थ्योरी पढ़ाई है और अभी 2 से 3 दिन बाद से हम शुरू कर रहे हैं डेली का फ्री लाइव क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, सो हमारा चैप्टर का नाम है दैट इज ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स। अब हम क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड को थोड़ा ग्रुप में बनाएंगे। ठीक है, रिकॉर्ड की गैंग वैंग बनाई जाएगी। ग्रुपिंग रिकॉर्ड्स joins in SQL, क्या बनाएंगे हम, joins in SQL। देखो दो ही इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है पहली बात तो अब ये इसका वन शॉट ही मान लो तुम। ओके, अब सबसे पहले क्या है कि आपके SQL के अंदर दो टाइप के फंक्शन होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस लिख लो। आपके SQL में आपकी क्या मतलब हमारे भी SQL में हमारे दो टाइप के फंक्शन होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारा सिंगल लाइन फंक्शन। क्या हो रहा है, सिंगल लाइन फंक्शन। अब इस सिंगल लाइन फंक्शन को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज इसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज स्केलर फंक्शंस। क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्केलर फंक्शंस। ठीक है, अब इसके बारे में बस एक ही पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, दैट इज इट वर्क्स विद अ सिंगल रो एट अ टाइम। इट वर्क विद अ सिंगल रो एट अ टाइम, यानी कि ये जो भी कैलकुलेशन करेगा वो एक बार में एक रो के साथ में ही करेगा। क्या इतनी बात समझ में आई, हाँ भैया। तो अगर एक सिंगल लाइन है तो दूसरा क्या होगा, दैट इज दूसरा हमारे पास मल्टी लाइन फंक्शन। क्या है, मल्टी लाइन फंक्शन। अब मल्टी लाइन फंक्शन का कोई दूसरा नाम नहीं है, बस अब अगर सिंगल लाइन सिंगल एक लाइन के साथ में काम करता है एक रो के साथ में, तो मल्टी लाइन क्या करेगा, इट वर्क्स विद मल्टीपल रोज एट अ टाइम। ठीक है, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात हो गई ना। ओके, अब इसके बाद अगला टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है देखो। ठीक है, वो है ग्रुप वाई। क्या है, ग्रुप वाई। अब इसके अंदर आप देखो, अगर नोट्स आप अपने हाथ से लिखोगे अच्छी बात है, अगर आपको मेरे हैंडराइटिंग नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, साथ में वो डिस्कशन भी हम करेंगे। ठीक है, दैट इज ग्रुपिंग रिजल्ट, ऐसी हेडिंग डाल लो और यहाँ रहेगा हमारा ग्रुप बाई पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ करना क्या है, देखो ग्रुप बाई में बस एक चीज़ समझ लो। देखो यहाँ एग्जाम्पल दिखा दूँ मैं आपको, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो टेबल हैं, एक है हमारी सिटी और दूसरा टेबल नहीं सॉरी दो कॉलम है, तीन चार कॉलम बन गए, चलो कुछ भी डेटा है यार यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसा डेटा जैसे कि नेम और यहाँ चलो इस बच्चे की चलो सैलरी वैलरी कुछ जो भी है। अब यहाँ पर दिल्ली है, मुंबई है और दिल्ली है, ठीक है, और मुंबई है। अगर मुझे एक टेबल में ये काउंट करना है कि कितने जो है वो दिल्ली में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे दिल्ली से हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ ग्रुप बाई करेंगे। ठीक है, हम बेसिकली टेबल को ऐसे बनाना चाहते हैं, देखो आपको समझ में आ जाएगा सारा मामला। ठीक है, इसको भी छोड़ दो अभी, ठीक है, खाली है ये सिटी और नेम। हम चाहते हैं कि भैया दिल्ली में कितने बच्चे हैं, फॉर एग्जाम्पल दो है, और मुंबई में दो बच्चे हैं, तो ये टेबल कैसे बनेगी। तो इसके लिए हम इस्तेमाल में लेंगे ग्रुप बाई को। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ लेंगे सिलेक्ट करेंगे अपने कॉलम सिटी कॉमा नेम, टेबल का नाम मान लेता हूँ स्टूडेंट है। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। अब आपको जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको डेटा इस तरीके से चाहिए है, उस कॉलम का आपको नाम ग्रुप बाई क्या लगाना है, तो हम लिखेंगे ग्रुप बाई सिटी। क्या लिख दिया, ग्रुप बाई सिटी। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब क्या यहीं पर अगर आपको मल्टीपल कॉलम करना है, अगर हमें क्या करना है, मल्टीपल कॉलम करना है,
अगर हमारे पास यही सेम कंसेप्ट अगर मल्टीपल कॉलम पे लगाना चाहे तो क्या लगेगा, बिल्कुल लगेगा। उसके लिए क्या करना है, बिल्कुल आसान है। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट सिटी नेम एंड डिपार्टमेंट, ओके। और आप चाहते हो फ्रॉम, वही स्टूडेंट हमारा, अगर आपको अब दो कॉलम के बेसिस पर कराना है, मल्टीपल है ना तो एक से ज़्यादा होगा, तो हम क्या कराते हैं, हम इसको सिटी से करवा देंगे और डिपार्टमेंट से क्या कराएंगे, ग्रुप बाई कराएंगे। तो इस सिटी और डिपार्टमेंट के हिसाब से इनके ग्रुप्स बन जाएंगे। ओके, आर यू गेटिंग इट? ओके, समझ में आ गया। अब ये ग्रुप के बाद, हमारा ग्रुप बाई के बाद अगला जो हेडिंग है दैट इज हैविंग क्लॉज। अब हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज कुछ कुछ दोस्ती है इनकी, कुछ कुछ ये बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज। तो इनमें कुछ क्या है, कुछ कहते हैं ना कि बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं वो कुछ कुछ आपस में एक जैसे रंग दिखाते हैं, तो वैसा ही है इनमें भी। अब बात क्या है कि ये हैविंग क्लॉज जो है इसमें आप एग्रीगेट फंक्शंस लगा सकते हो, ठीक है। क्या लगा सकते हो, हैविंग क्लॉज के अंदर यू कैन यूज एग्रीगेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हो किसके अंदर, हैविंग क्लॉज के अंदर। वहीं पे आप वेयर क्लॉज में फंक्शंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। पहला डिफरेंस ये है इन दोनों मित्रों के अंदर। अब ये इस्तेमाल कैसे किए जाएंगे, बहुत आसान है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हैविंग क्लॉज जो है वो हमेशा हमेशा इसका जो बेस्ट फ्रेंड एक और है वो है इसका ग्रुप बाई क्लॉज। ये हमेशा, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं तो हमेशा एक साथ पाए जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि हैविंग ना हो, लेकिन हैविंग जहां भी होगा वो ग्रुप बाई के साथ में होगा, ठीक है। ग्रुप बाई अकेला इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनो इस चीज को, ग्रुप बाई जो है वो अकेला इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हैविंग क्लॉज कभी अकेला इस्तेमाल नहीं होगा। ये डिफरेंस है, हैविंग क्लॉज जब भी इस्तेमाल होगा ग्रुप बाई साथ में आएगा ही आएगा। क्या बात समझ रहे हो, समझ गए। अब देखो ये इस्तेमाल कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेरी हमारे पास, सिलेक्ट जॉब काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय एंड ग्रुप बाई हमने किया, ग्रुप बाई हमने जॉब से ग्रुप बाई किया। अब हैविंग में क्या है, हैविंग में अपनी कंडीशन, वेयर में कंडीशन लगाते हैं, वैसे हमने हैविंग में कंडीशन लगाई कि काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 3, ये स्टार है, ठीक है। तो बात क्या है कि हमने ग्रुप बाई कैसे करा, जॉब से। तो फॉर एग्जाम्पल एक टेबल थी, देखो एक टेबल है जिसमें कि जॉब है और क्या है उनका काउंट, ठीक है। अब क्या है कि लाइक जॉब है, प्योन की जॉब है, ठीक है, पेंटर की जॉब है, इस तरीके से तो आपकी टेबल जो है वो बन जाएगी। उसमें क्या करेगा, अब जैसे कि प्योन आपके 4 हैं, पेंटर आपके 6 हैं, और ये लाइक इसको बोलेंगे कारपेंटर, ठीक है, कारपेंटर आपके 2 है। तो कंडीशन क्या है कि वही डेटा शो करेगा, ये वही डेटा आपका शो करेगा जॉब का और काउंट स्टार का, जिसमें कि ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, जिसमें आपकी जो वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी। ओके, समझ रहे हो। आपको देखो वेयर से बिल्कुल सिंपल है, बस क्या है यहाँ पर आप फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस आप इसमें एक डिफरेंस आपको ये मिल जा रहा है। ओके, तो फंक्शंस कैसे इस्तेमाल करोगे ये देख लो। देखो एक हमने कॉलम लगाया है सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर एवरेज, और हमने एवरेज निकाला कॉलम, हमने ये लिख दिया। एक और हमने एवरेज निकाला सैलरी का। दो का एवरेज निकालने के बाद फ्रॉम टेबल का नाम लिखा एम्प्लॉय, ग्रुप बाई किया हमने, किसके हमने तो ग्रुप बाई कर रहे हैं, हम ग्रुप बाई कर रहे हैं डिपार्टमेंट नंबर के साथ ग्रुप बाई किया। अब देखो यहाँ लगाया हमने हैविंग, हमने लगा दी अपनी कंडीशन, और कंडीशन क्या है कि जिसका जो एवरेज है, इसका जो एवरेज है वो 750 ज़्यादा होना चाहिए। एंड एक और कंडीशन लगा दी हमने कि एवरेज जो सैलरी है उसकी, ठीक है, एवरेज सैलरी जो है वो आपकी ज्यादा होनी चाहिए 2000 रुपए से। तो देखो हमने क्या है, हैविंग में मल्टीपल कंडीशन हमने इस्तेमाल की है,
और मैंने बताया था हैविंग में एग्रीगेट फंक्शंस भी इस्तेमाल में ले पा रहे हैं। तो अभी क्या करेगा, चेक करेगा कि ये कंडीशन जहां जहां फिलफिल होंगी आपको वो डेटा उस डिपार्टमेंट का ये शो कर देगा। आर यू क्लियरिंग, आर यू गेटिंग दैट, जल्दी बताओ क्या तुमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या आपको समझ में आया? हाँ भैया हमको ये वाली चीजें तो समझ में आ गई हैं। ओके तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारे पास दैट इज जॉइंस, क्या है जॉइंस। अब तुम कहोगे भैया ये कैसा, अब ये कौन से यहाँ पर जॉइंट आ गए एसक्यूएल के अंदर? तो एसक्यूएल के अंदर जॉइंट नहीं है, ये जॉइंस है। अब ये है क्या, देखो बेसिकली एक जॉइन क्या होता है समझो, अ जॉइन इज अ क्वेरी। जॉइन क्या है, एक क्वेरी है, इसमें एक कंडीशन देखो दैट कंबाइंस, ये क्या करता है दैट कंबाइंस रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल। अगर आपको दो टेबल की रोज को जोड़ना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे जॉइंस का। ठीक है, अभी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अब जब हम चार दिन बाद से अपना जो सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें हम डेली हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इनके क्वेश्चन जब हम सवाल लगाएंगे तब। अब देखो करना कैसे, ज्वाइन एक बनेगा कैसे, सिंटैक्स है ज्वाइन का भाई, सिंटैक्स क्या है सिलेक्ट करो, सिलेक्ट हम क्या करते हैं कॉलम वन कॉमा कॉलम टू, जितने कॉलम सिलेक्ट करने सिलेक्ट कर लो, फ्रॉम के बाद अपने टेबल वन का नाम लिखो, टेबल वन और टेबल टू का नाम लिखो, ठीक है जितनी भी टेबल हैं आप लिख सकते हो, जितनी भी टेबल से डाल ले रहे हो। और आपको एक कंडीशन भी लगानी पड़ेगी यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं जॉइन की कंडीशन, क्या बोलते हैं जॉइन की कंडीशन यहाँ लगेगी। अब भैया ये ऐसे कैसे होगा बताओ जल्दी, तो ये एग्जांपल ले लेता हूँ, दैट इज हमने क्या किया, सिलेक्ट कर रहे हैं हम पेशेंट नंबर और डिस्क्रिप्शन एंड नॉर्मल चार्ज एंड चार्ज, ठीक है ये हमने क्या किया चार कॉलम बना लिए सिलेक्ट कर लिए। अब टेबल हमारी कौन कौन सी है, हमारे पास दो टेबल हैं दैट इज बिल्ड और आइटम, बिल्ड एक टेबल बिल्ड है, एक टेबल हमारी आइटम है। अब कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन में हमेशा हम एक कॉलम को मैच करा रहे होते हैं, वो किस तरीके से देखो दैट इज बिल्ड, पहले टेबल का नाम आएगा डॉट, अब कौन सा कॉलम मैच कराना है हमको आइटम कोड, आइटम कोड इज इक्वल्स टू आइटम डॉट आइटम डॉट आइटम कोड, ठीक है आइटम डॉट आइटम कोड। तो ये क्या है, ये हमारी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, ये हमारी जॉइन की कंडीशन है, और ये कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कंडीशन से ही आपका जो डेटा है वो रो वाइज करेक्ट डेटा आपको यहां से मिल रहा होगा। ओके यहां से आपको करेक्ट डेटा मिल रहा होगा। अगला है यहां से दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ओके अब यहां से हम देखते हैं दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब अभी तक तुमने सुना होगा ये बहुत आसान चीज है, जैसा मैंने हमेशा कहा इसके लिए बहुत आसान लैंग्वेज है। देखो अब इसमें करना क्या है आपको, सिंपल अगर यहां पर आपने लिखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का वन का नाम कॉमा टेबल नंबर दो का नाम, और ये हमारा क्या है सिंटैक्स, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके दोनों टेबल के जितने भी रो हैं, ठीक है जितने भी रो हैं वो आपके एक एक तरीके से आपके आउटपुट में आ जाएंगे। ओके पहले टेबल वन के आएंगे फिर टेबल टू के आएंगे। अब इसके बारे में एक चीज ध्यान रखो, ये कितने वो प्रोड्यूस करेगा आउटपुट, ठीक है मतलब कितने नंबर ऑफ रो प्रोड्यूस करेगा, तो वो हम ऐसे बताएंगे कि जितने नंबर ऑफ रो एम के अंदर है और जितने नंबर ऑफ रोज इसके अंदर टेबल टू के अंदर है, तो m इंटू एन नंबर ऑफ रोज आपके प्रोड्यूस हो जाएंगे, नंबर ऑफ रोज आपके आउटपुट में आएंगे। एक और टॉपिक है यहां से दैट इज टेबल अलाइज, क्या है टेबल अलाइज। टेबल अलाइज का मतलब क्या है कि एक
टेबल एनालाइज का मतलब ये है कि एक कोई पर्टिकुलर टेबल को, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेबल को या फिर एक कॉलम के नेम को, एक कॉलम के नेम को एक क्या देना, टेम्परेरी नाम देना, ठीक है, एक टेम्परेरी नेम इनिशियलाइज करा देना। ये कंसेप्ट है आपका टेबल एनालिसिस का। और एक और चीज़ यहाँ से ध्यान में रखो कि जब भी टेबल एनालिसिस बनाना है तो हम एज कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। किसका? एज कीवर्ड का इस्तेमाल होगा टेबल एनालिसिस बनाते टाइम पर। अब टेबल एनालिसिस दो चीज़ का बन सकता है, टेबल का या टेबल कॉलम का। तो अगर हमें टेबल का बनाना है, किस चीज़ का, अगर आपको टेबल का बनाना है तो उसका सिंटैक्स है आपका, दैट इज टेबल का बनाने के लिए है सिलेक्ट, आप सिलेक्ट करो, फिर कॉलम का नाम लिखो, कॉलम का नाम, या आपको जितने कॉलम का नाम लिखना लिख सकते हो, एंड देन फ्रॉम टेबल का नाम आएगा यहां पर एज। अब आपको लिखना है अपने एलाइज का नाम, आपको जो इस टेबल को नाम देना है वो आपको यहां लिखना है। वहीं पर अगर आपको किसी कॉलम का एलाइज बनाना है, किसी भी कॉलम का एलाइज बनाना है, तो क्या करना है आपको, लिखना है सिलेक्ट कॉलम का नाम, कॉलम नेम एस कीवर्ड लगाओ, और फिर यहां अपना एलाइज का नाम लिख दो जो उसको नाम देना है, ठीक है, जो उसको नाम देना है, एंड देन फ्रॉम टेबल का नाम लिख दो, सिंपल टेबल का नाम। तो यहां से आपका जो है आपने उसको एलाइज ये हम बना लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास बस एक चीज, एक कंसेप्ट बच रहा है, दैट इज हमारा इक्वी जॉइंस और नेचुरल जॉइंस। क्या बच रहा है? इक्वी जॉइन बच रहा है और नेचुरल जॉइन बच रहा है, तो हम वो भी कर लेते हैं। दैट इज थंबर थ्री, इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन। देखो, जब भी आप कंपैरिजन जो है, जब भी आप कंपैरिजन करने के लिए किस चीज़ का, जब आप कॉलम का इस्तेमाल करोगे, किस चीज़ का कॉलम का इस्तेमाल करोगे फॉर इक्वालिटी के लिए, ठीक है, तो हम इस जॉइन को बोलते हैं इक्वी जॉइन। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो कॉलम है, आप दो कॉलम को कंपेयर कर रहे हो इक्वालिटी के लिए, तो हम बोलेंगे उनको इक्वी जॉइंस, ओके। वहीं पर नेचुरल जॉइन किसको बोला जाएगा, तो नेचुरल जॉइन हम बोलेंगे किसको, इन नेचुरल जॉइंस ओनली वन ऑफ द एंटी कॉलम फ्रॉम जॉइंट टेबल्स। देखो, अब क्या है, अगर आप एक कॉलम को कोई दूसरी टेबल से ले लो, किससे, दूसरी टेबल से ले लोगे, तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल जॉइन, ठीक है। अगर आप एक कॉलम कोई आइडेंटिकल टेबल से ले लेते हो, ठीक है, आइडेंटिकल टेबल से, तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल जॉइन। बस इतनी सी बात है दोनों में। और एक आपको मैं एग्जांपल बता देता हूं, यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हैं। बस ये एग्जांपल देखो, देखो हमने क्या करा, आपको पता चल जाएगा जॉइन लगता कैसे है। दैट इज बिल्ड डॉट पेशेंट नंबर, ओके, एंड डेट डिस्चार्ज एंड चार्ज। हमारे पास टेबल के नाम दो हैं, फ्रॉम, एक टेबल है हमारी बिल्ड, दूसरी है हमारी पेशेंट, ओके, ठीक है। अब क्या है, देखो यहां पर हमें कंडीशन लगा रहे हैं वेयर से, यहां हम कौन सा ज्वाइन कर रहे हैं, देखो वेयर। अब आपको जब भी कंडीशन लगाओ तो देखो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कॉलम जिस टेबल का है उसका नाम लिखना मत भूलना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ बिल्ड डॉट, या इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा दो आप, बिल्ड डॉट पेशेंट नंबर मेरा है, बिल्ड डॉट पेशेंट नंबर इज इक्वल टू, पेशेंट टेबल में भी यही है, तो हम क्या कराएंगे, पेशेंट डॉट पेशेंट नंबर, ठीक है, ये हमारी क्वेरी है। अब इससे आप समझ सकते हो कि ये हमारा नेचुरल जॉइन हो गया। क्या हुआ, ये हमारा नेचुरल जॉइन है क्योंकि हमने इसमें दो टेबल का इस्तेमाल करा हुआ है, ठीक है। और जैसे आपने
लाइक इसमें हम और भी कंडीशन लगा सकते हैं, वेयर के आगे ऑर्डर बाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके सो वो हम सारी चीजें जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। इस तरीके से हमारे चैप्टर नंबर 14 जो है वो खत्म हो जाता है कंप्लीटली। इसके जैसे जब और सवाल लगाओगे स्कूल में आपको और सारी चीजें आती जाएंगी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी एक बार ध्यान रखना प्रैक्टिस। देखो मैंने अपने एंड से आपका जो क्लास ट्वेल्थ का जो कंप्यूटर साइंस है जिसकी फीस जो है अपने ऑफलाइन जो है कई जगह 50K है, कई जगह 12K है, मतलब 12K से कम तो किसी सिटी में ऑफलाइन चार्ज ही नहीं कर रहे हैं टीचर्स। बट फिर भी बच्चे मेरे पास आकर रो रहे हैं भैया हमें ये नहीं आता वो नहीं आता। तो एक तरफ से जिसको पढ़ना है उसके लिए मैंने बिल्कुल फ्री में एक एक चैप्टर, मुझे पता है मुझे कितना हार्डवर्क लगा ये सब करने के लिए, ठीक है। अगर आप रिविजन टू के वीडियोस देखोगे तो आप देखोगे मेरी बॉडी से पसीना आ रहा है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज उस टाइम बहुत गर्मी हुआ करती थी। सो अगर आप लोग में कोई भी ऐसा बच्चा है जो अभी भी लाइव मेरे से पढ़ना चाहता है तो मैंने एक बैच लॉन्च करा हुआ है वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिलेबस अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आप उस बैच में एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में दूसरी चीज ये है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब हम चार दिन के बाद अपनी जो रिवीजन सीरीज है चैप्टर वाइज, जब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आप भी आइए और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, उससे आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। बिकॉज मैं थ्योरी करा दी अपनी एंड से, मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करा दूंगा। सो मैं अपनी एंड से सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने यूट्यूब पर सब कुछ फ्री में सबसे बेस्ट चीज बच्चों को प्रोवाइड कराई है, बेस्ट कंटेंट ऑडियो वीडियो हर तरफ से क्वालिटी कंटेंट आपको दिया है। नोट्स दिए मैंने अपने खुद के हैंडेड नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को दिए। बस अगर तुम एग्जीक्यूट नहीं किए तो ये गलती तुम्हारी है, फिर आपका चाहे कितना भी अच्छा टीचर हो, कितना भी एक्सपीरियंस टीचर हो, कभी वो कुछ कर नहीं सकता अगर आप एग्जीक्यूशन नहीं कर रहे हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ, मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब बटन पर दबा देना और साथ में दोस्तों तक वीडियो को शेयर करो ताकि वो सब भी अपने कंप्यूटर साइंस में अच्छे नंबर स्कोर कर सकें।